Hi guys, welcome to India.com. I am Chirag Sehgal. और आज जो हमारे साथ हैं, he needs no introduction. आपके पास जितने भी अच्छे-अच्छे तारीफ भरे adjectives हैं, आप सब लगा सकते हैं. Because he is OTT के शहंशाह. Please welcome Pankaj Tripathi. Hi sir, welcome to the show. Thank you. Already Mummy का trailer आ गया है. People are loving it. उसमें comedy है, entertainment है. But सीरियस इश्यूज के बारे में भी वो बात कर रहा है, सरोगेसी हो चाहे रिलीजन हो. तो जब आपको पहली बार अप्रोच किया गया मूवी के लिए, आपके क्या थॉट्स रहे थे इस पे? बहुत अच्छा, बहुत पसंद आई थी मुझे स्क्रिप्ट. टीम कमाल थी, लक्ष्मण उदयकर हमारे पुराने परिचित हैं, कमाल डायरेक्टर हैं. सो मैं एक्साइटेड था कि यार बढ़िया पार्ट फिल्म बनेगी, और वही हुआ है. फाइनली फिल्म बहुत ही कमाल के बन के आई है. तो ट्रेलर में जैसे एक सीन है नमाज का, और हमने सुना है उसके पीछे कुछ हंसी मजाक वाला किस्सा भी है. वो प्लान नहीं था, बट आपने कुछ प्लान किया था. क्या मामला क्या है वो? हाँ, मतलब वो कई बार एक्टर करते हैं, तो वो हमने ऐसे ही वो सीन लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में. हमने खुद से रिहर्स की, और रिहर्सल किसी को नहीं बताई थी. डायरेक्टर को बोले कि रिहर्स करते हैं, तो हमने बोला टेक कर लो. हमने कुछ लो हम लोग कुछ एक प्लानिंग करके आए हैं, ब्लॉकिंग अपनी. अच्छा नहीं लगेगा तो बदल देंगे. तो डायरेक्टर का इतना ट्रस्ट है कि उन्होंने बोला चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो उसका पहला टेक, जो पहला टेक था विदाउट रिहर्सल, वो सीन हुआ है. और उनको पसंद आ गया. लकीली बोले अब कुछ नहीं, इसको दूसरे एंगल से एक बार और कर दो तो मैं शूट कर लूं. स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, ब्लॉकिंग खाली हमने अकेले में कर लिया था. बाकी उस सीन अच्छा, होपफुली पसंद आना चाहिए लोगों को. ऑलरेडी लोगों को वो पसंद भी आ रहा है. बट जैसे आपने OTT पे ऑलरेडी बहुत शोज भी करे हैं, अब आपकी मूवी आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि जो OTT प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको अपना टैलेंट दिखाने का ज्यादा अच्छे से मौका मिला है, ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है ये? हाँ, बिल्कुल लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे की कहानी है ना, 7 घंटे की. तो यहाँ पे वक्त है पूरा करने का, दिखाने का, डेप्थ में जाने का. सिनेमा में 2 घंटे में करने हैं, और उन 2 घंटों में भी पहले मुझे वैसे ही 10-15-20 मिनट के रोल मिलते थे, तो उसमें क्या कर लूंगा मैं. OTT पे ज्यादा स्पेस, वक्त मिलता है. यस, यू आर राइट. जैसे आपने बोला कि सिनेमा में शुरू के 10-15 मिनट ही मिलते थे, और ऐसा बहुत लोगों का मानना है, कहा जाता है कि जो सिनेमा है, बिग स्क्रीन है, वो ज्यादातर कपूर खान्स यही लोग डोमिनेट करते हैं. आपको लगता है कि जो अब OTT पे, जैसे अब मिमी भी नेटफ्लिक्स पे आएगी मूवी, तो ये जो साधन बन गया है, ये एक अपॉर्चुनिटी है सबको एक सेम पेज पे लाने का? हाँ, कह सकते हैं. यहाँ क्या है ना कि यहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि है ही नहीं. ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन क्या हुआ फर्स्ट वीकेंड. सो यहाँ अच्छा और बुरा है कि वो कोई भी एक्टर अच्छा हो सकता है, कोई भी एक्टर बुरा कर सकता है. कहानी अच्छी या बुरी हो सकती है. तो उस मामले में डेमोक्रेटिक है कि यहाँ पे वो प्रेशर, कमाई के हिसाब से क्वालिटी नहीं तय की जाती है कि जो ज्यादा कमाया वो ज्यादा बढ़िया है. महंगी चीज अच्छी हो या जरूरी नहीं. तो जो मतलब जो टैलेंट है आपका मतलब है, उसको OTT पे ज्यादा अहमियत मिल पा रही है? ऑफ कोर्स, OTT ने पहली बार पोस्टर लगाया मेरा. फिल्म वाले कहाँ पोस्टर लगाते थे, फिल्म तो 12 साल से कर रहा हूँ. तो कभी आपको फिल्मों करते हुए ऐसा लगा कि मैं इतने सालों से फिल्म कर रहा हूँ, मगर फिर भी एक इंक्लूड नहीं हो पा रहा, एक हिस्सा नहीं बन पा रहा? नहीं, मैं खुश था. मैं जब भी जहाँ भी रहता हूँ प्रसन्न रहता हूँ. अभी भी मुझे कोई मलाल नहीं है, पहले भी कोई मलाल नहीं था. आपने पूछा इसलिए मैं बताया. तो मैं जिंदगी में मेरे कंप्लेंट नहीं होते हैं. मेरे कलीग है विनीता, वो भी आपकी बहुत फैन है. उन्होंने एक स्पेशल एक क्वेश्चन भेजा है कि हम लोगों के लिए आज के टाइम में पंकज त्रिपाठी जो है, वो एक्टिंग की डेफिनेशन है. आपके साथ जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, मगर जो पंकज त्रिपाठी है, उनके लिए एक्टिंग का क्या डेफिनेशन? मेरे लिए एक्टिंग का क्या डेफिनेशन है मुझे पता नहीं. मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ. मतलब मेरे लिए डू एंड डाई नहीं है कि मुझे कुछ कर जाना है, कर गुजरना है. एक्टिंग मेरे लिए मेरे सर्वाइवल का, मेरे कमाई का एक जरिया है, जिससे मेरा घर चलता है. और मैं एक्टिंग से उतने पैसे कमा लेते हैं कि मुझे जो करना है मैं वो कर पाता हूँ. तो मेरे लिए एक्टिंग घूमने का और मेरे सर्वाइवल का जरिया है बस. बट आपको पहली बार कब लगा कि हाँ एक्टिंग जो है ये मुझे करना है, ये काम मुझे करना है? ये तो लग गया था मुझे मेरे ख्याल से 25-26 साल की एज में कि अब यही करना है, इसी काम में मजा आ रहा है. 25 साल की एज में होटल में जब नौकरी कर रहा था उस वक्त. तो होटल में जब आप नौकरी कर रहे थे, मतलब ऐसा क्या किस्सा हुआ जिससे आपको लगा कि हाँ ये मैं करूंगा, ये मेरे लिए है? क्योंकि होटल में नौकरी रात को करता था, दिन में थिएटर करता था.
तो रात को लगता था जल्दी रात कट जाए जाके सुबह रिहर्सल में पहुंचो। होटल में ओवर टाइम मतलब 8 घंटे में थक जाता था, रिहर्सल में 10 घंटे में भी नहीं थकता था, तो मजा आता था। तो मुझे लगा नौकरी से ज्यादा मजा इसमें आ रहा है, अगर इससे पैसे भी मिलने लगे तो फिर तो आनंद हो जाए, और इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी कि अब इसी से जिंदगी चलानी है। तो अब हम एक छोटा सा एक सेगमेंट करेंगे, आपके फैंस ने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, मैं आपसे वो क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको छोटा छोटा आंसर देना होगा उन फैंस के हाँ लिए। जी। विनीता फैन है, वो लिखती है कि जब व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने सरोगेसी सुना और आपको क्या लगा कि वर्ड क्या है, क्या मतलब है? सरोगेसी में एक लेख पढ़ रहा था किसी अखबार में, आर्टिकल था वो गुजरात के कोई एक विलेज का जहाँ पे बहुत सारी सरोगेट मदर्स हैं, तो उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तो उसमें सुना था एंड पढ़ा तो मैं समझ गया उसी एक ही आर्टिकल के अंदर कि भाई क्या है ये प्रोसेस, कैसा होता है, क्या होता है। तो मैं पढ़ता लिखता हूँ, मैं इकलौता एक्टर है जो कि सिनेमा कम देखता हूँ और मैं बाकी चीजों ज्यादा करता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फार्मिंग, इनके बारे में पढ़ते रहता हूँ। ये सवाल एक बहुत सारे फैंस ने भेजा है, किसी एक का मैं नाम भी नहीं ले सकता, कि मिर्जापुर का सीजन 3 कब आएगा? वो तुम्हें प्लेटफॉर्म बता सकता है, अमेजोन प्राइम या मेकर्स बता सकते हैं, मैं तो उसमें एक एक्टर हूँ, हमारी भूमिका तो बहुत छोटी होती है। अंकित एक आपके फैन है, वो लिखते हैं कि जब आपने गे सीन किया एज गुरुजी तो वो कितना ऑकवर्ड था। ऑकवर्ड नहीं था क्योंकि मैं और नवाज सर हम लोग एक स्कूल से पढ़े हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, हम प्रोफेशनल एक्टर हैं और वहाँ पढ़ाई में सीन वर्क के दरमियान हमको बतौर एक्टर हमारे जो इनहिबिशन है, जो थोड़ा शर्म हया हमको हटाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ ऑकवर्ड नहीं था, हम बहुत बहुत था प्रोफेशनल एक्टर और वो हमें मालूम है कि हम एक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं है, तो आसान था। एक और फैन है आपके वीरेन, वो पूछ रहे हैं कि कलीन भैया और पंकज त्रिपाठी में क्या सिमिलैरिटीज है? सिमिलरिटी यही है कि कालीन भैया सॉफ्ट स्पोकन है, मैं भी सॉफ्ट स्पोकन हूँ, मुझे भी चिल्लाना पसंद नहीं है। और अगर उनकी कोई क्वालिटी आप लेना चाहें कि ये क्वालिटी पंकज त्रिपाठी में भी होनी चाहिए? हाँ वो उनका वो जो उनके अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं समझ पाता है, वो क्या निर्णय लेंगे, उनका यस है या नो है, तो मेरे में वो नहीं है, मैं मेरे अंदर क्या चल रहा है सब समझ लेते हैं। ध्रुव आपके एक फैन है, वो पूछ रहे हैं मिमी में आपके आपको कृति सेनन के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ध्रुव, बहुत ही शानदार, मजा आया, अच्छी एक्ट्रेस है एंड होपफुली आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हम दोनों का इक्वेशन, दोनों का रिलेशनशिप बहुत सुंदर है। क्योंकि मूवी में ऑलरेडी कॉमेडी है, रोमांस है, ड्रामा है, तो भरपूर एंटरटेनमेंट का डोज है ये। बट जैसा कि हमने अभी बोला कि रोमांस भी है मूवी में, इसलिए रोमांस से रिलेटेड हम आप आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको वो बताना होगा। एक गाना जो आपको लगता है कि वो मतलब आज तक का सबसे रोमांटिक सॉन्ग यही है, जो अरे बहुत बहुत आप गुनगुनाते हो बहुत शायद? गाना, आज आज मतलब आज जाने की जिद ना करो मुझे बहुत पसंद आप गाएंगे है। फैंस के लिए मुझे थोड़ा नहीं सा 2 लाइनें? नहीं वो याद नहीं है मुझे अभी, मैं बेसुरा हूँ, बेसुरा हूँ मिमी में, फिल्म में मैं रोमांस नहीं कर रहा हूँ, फिल्म के अंदर मिमी में आपने अर्लियर बोला, रोमांटिक गाने मुझे ये है, मुझे वो अच्छे लगते थे, तो मतलब साजन फिल्म के गाने अच्छे लगते थे, तू शायर है मैं तेरी शायरी, तो मुझे माधुरी दीक्षित के सारे गाने रोमांटिक लगते थे जो 90s में आते थे, जिसमें माधुरी जी हीरोइन हुआ करती थी, मुझे बेहद पसंद थी वो, हालांकि उनसे अभी तक मिला भी नहीं हूं मैं तो। तो कोई एक सीन आपने रोमांटिक सीन आपने आज तक देखा हो किसी एक्टर का, दूसरे किसी एक्टर का, और वो तब्बू देख के कि यार ये सीन ये मूवी मुझे करनी चाहिए? हाँ और इरफान मकबूल, तब्बू जी और स्वर्गीय इरफान खान का मकबूल का एक सीन छप गया था इधर। आपको क्या लगता है अगर किसी औरत से या वाइफ से अगर आपको सॉरी बोलना है बट बिना सॉरी बोले तो क्या बेस्ट पे रहेगा? मतलब वो बुके फ्लावर और ये सब से बोलना ज्यादा बेहतर है, बोल दो तो जब क्लियर समझ जाएगी, सिंबल और इशारों में कैसे समझेगी, तो सॉरी खुल के ही बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, तो सॉरी ही बोलना चाहिए, वो बेस्ट वे आपका मतलब? वो बेस्ट वे है, मतलब बुके लाए कुछ और ड्रामा करें घुमा फिरा के फिर पता चले उससे भी नाराज हो जाए कि क्या नौटंकी है, तो सामने ही बोल दो भाई सॉरी। तो मतलब घर पे भी आप ऐसे ही करते हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल एक आखिरी सवाल कि पंकज त्रिपाठी जो है वो लव एट फर्स्ट साइट में विश्वास रखते हैं या नहीं? नहीं बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, बट वो लव एट फर्स्ट साइड जितना जल्दी होता है उतने ही कम समय के लिए होता है, वो लंबा नहीं होता है शायद, थैंक यू सो मच सर फॉर पता ज्वाइन।
फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आपकी मिमी का ट्रेलर तो सबका दिल जीत ही रहा है, हमें पूरा विश्वास है मूवी भी सबका दिल जीत लेगी। थैंक यू सो मच, प्लेजर टू टॉक। शुक्रिया मैडम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट चिराग आपको भी।